जोधपुर जा रहे हैं हम अभी। फाइनली 108 बकरों के लोड के पास हम आ चुके हैं, देख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आदिल खान। माशाल्लाह हर बार की तरह बहुत ही शानदार कुर्बानी माल लेकर आया हूँ। हमारे साथ में भंवर जी भी है, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त। भंवर जी राम राम। और जी अपन कौन से पाए हैं? बालड़ी खेड़ा, देवनारायण गोट फार्म बालड़ी खेड़ा। देवनारायण गोट फार्म बालड़ी खेड़ा है ना। इनके ओनर का नाम क्या है? दल्ला राम जी गुजर। राम राम काका। राम आप। हम अभी कहाँ पे हैं? बालड़ी खेड़ा। कितने बकरे हैं ये? 108। 108 बहुत बकरे हैं माशाल्लाह, बहुत बकरे देखने को मिलेंगे। हर बार 108 120 ऐसे बकरे पालते हो आप है ना? काफ़ी बार आ गया मैं वीडियो बनाने के लिए है यहाँ पे। और इनका वजन कितना होगा अभी? 80 किलो है ना। ये बकरा कौन सी नस्ल का है? सोजत। माशाल्लाह सोजत। इसमें कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं? सोजत और सिरोही। सोजत और सिरोही दोनों क्वालिटी है। और जो ये काले काले में दिख रहा है वो? ये देसी है। देसी है। तीन क्वालिटी है इसके अंदर। काफ़ी अच्छी बकरे हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। और काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे इनके पास में, दल्ले भाई के पास में। और भंवर जी भी है, जो कोई भी भाई अगर बाहर से आना चाहता है तो भंवर जी से कांटेक्ट कीजिए। भंवर जी चारों तरफ फिर के बकरे दिलाते हैं। क्यों भंवर जी? हाँ जी भंवर जी, अब यहाँ पे आपके आसपास में कितना बकरा है? हमारे आसपास करीबन 500 बकरे हैं। 500 बकरे, 500 ही बकरे भंवर जी के कांटेक्ट में है यहाँ पे ना? जो हमारे संपर्क वाले हैं उनके हैं 500 बकरे। तो 500 बकरे और जो अलग ज्यादा है, अलग अलग जो दूसरों से है उनके अलग है ना। 500 बकरे आपके कांटेक्ट में, तो मान के चलो दो गाड़ी माल भंवर जी के कांटेक्ट में है। और टाइटल पे भंवर जी का नंबर दिया जाएगा, भंवर जी से आके यहाँ संपर्क कीजिए। भिलवाड़ा मांडल आके, मांडल से भंवर जी ले लेंगे ना। भंवर जी हाँ जी, बावड़ी है ना भंवर जी। एक बार बकरे पकड़ो, बहुत ही शानदार बकरा देख लीजिए भाई, क्वालिटी वाला बकरा है। कुर्बानी का माल इन भाई के पास बहुत ही मिलता है, हर बार मिलता है। और देसी बच्चे और भेड़ भी काफ़ी है इन भाई के पास। टोटल कितना जानवर है आपके पास? 250 बकरे हैं, बकरे और बकरियाँ हैं ना टोटल। ये देखो सोजत की और सोजत, सोजत है बहुत ही शानदार बच्चा है। चामड़ी देखो इनके अंदर एकदम भरा हुआ है। फूल रुमाली झड़ रही है इसकी, बहुत ही शानदार बकरा है। आपकी ये कितने साल से काम कर रहे हो वाला बकरियों का? चार पाँच साल से। इसमें कोई जो नया फार्मिंग लगाना चाहता है तो वो लगाए आपसे, तो मतलब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें इनकम है कि नहीं है? तो इनकम है 40% है। इनकम बहुत है तो 40% है। 40% जैसे मतलब खिलाओगे तो वैसा ही जानवर बनेगा ना, तो फिर नॉर्मल खिलाओगे तो नॉर्मल पैसा मिलेगा। अगर इनकम है तो नहीं होती तो हम 100-100 बकरे क्यों पालते हैं? हाँ सही बात है, इसमें कमाई भी है। जो भी कोई भाई अगर नया फार्मिंग खोलना चाहता है, देख लीजिए भाई के पास बहुत ही जानवर है। भाई अकेला जो सब कुछ करते हैं, भेड़ भी है, कुछ बकरियां भी है, कुछ बकरे भी तो मिल जाएगी। बकरा चाहे तो मिल जाए, भेड़ चाहिए तो मिल जाएगा। इनके पास हैदराबादी भी भंवर जी से ले लिया इनने, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में हैदराबादी बकरे की मैं वीडियो डालूंगा। जो भंवर जी के पास मैंने अगली वीडियो बनाई थी, जो हैदराबादी बकरा इनने ले लिया है ना भाई? तो कितने दिन पहले लिया था वो? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले खरीदा इन्हें ना। काफ़ी अच्छी इनके पास क्वालिटियाँ मिलेगी देखने को। और काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मशहूर है। किसी से पूछ लेना यहाँ पे भिलवाड़ा में आके, मांडल में आके, तो इनके पास में जो भी कोई पूछेगा बकरों के बारे में तो पूरी जानकारी दे देगा यहाँ तक है ना। पावड़ी पंचायत। और जी जो आपके छोटे छोटे भेड़ है वो भी अगर कोई लेना चाहता तो बिक जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। एक बार आपका नंबर दे दीजिए, नंबर याद है? 98 28 60 70 आगे 41 41। ठीक है भाई, ये कांटेक्ट नंबर है, टाइटल पे नंबर दिया जाएगा और अलग से भाई से कांटेक्ट कर लीजिए। जिस डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दे दूंगा, और बिलवाड़ आके कांटेक्ट कर लीजिए, भाई आपको पिक कर लेगा, है ना? ठीक है भाई। काफ़ी अच्छी बकरियाँ क्वालिटी देखने को मिलेगी। इनके फार्मिंग इनके घर के नीचे है, देख लीजिए भाई, पूरा प्लॉट है, 3-4 ऊपर बिल्डिंग है इसके ऊपर।
और इसके नीचे बकरियां रहती है, और भेड़ अभी जंगल में चरने के लिए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए ना भाई।